दोस्तों कांग्रेस के धाकड़ महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज भाजपा प्रवक्ता को उसकी औकात बता दी। डिबेट में संविधान को लेकर चर्चा चल रही थी और भाजपा प्रवक्ता बार बार जाहिलपन दिखाते हुए सुप्रिया को रोक टोक कर रहा था। भाजपा प्रवक्ता का कहना था कि जितने कांग्रेसी लोग हैं सब के सब संविधान के हथियारे हैं, हमने कभी संविधान को बदलने की बात नहीं की है और ना ही मोदी जी कभी करेंगे। राहुल गांधी ने लोगों में झूठी भरम फैलाई है। जैसे ही भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी को नीचे दिखाने की कोशिश की, सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा प्रवक्ता को जमकर धो डाला। की बारी है सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया, मैं बहुत छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे संदर्भ में हत्या शब्द का प्रयोग किया गया था। मैं किसी भी तरह की हिंसा रक्त रंजन के सख्त खिलाफ हूँ। मेरे बारे में यह शब्द बोलने पर मुझे कड़ी आपत्ति है। आप लोग उस संस्कार से आते हैं जहां पर रक्त रंजन मारपीट सिखाई जाती है, हमें नहीं सिखाई जाती है। हम लोग ऐसी बातें नहीं करते, हम मोहब्बत की, देश को जोड़ने की बातें करते हैं। बात तो सही है। चढ़ चढ़ के बोल रहे थे संविधान बदलना है, 400 दे दो, 400 दे दो। देश को समझ में आ गया संविधान बदलना है, देश ने निकाल बाहर किया, 400 तो छोड़ दीजिए, 250 नहीं आए, 240 पर रुक गए, बीच में मत बोलिए। चुप रहिए विप्रकाश, वन बाय वन आपको ही मौका दूंगा। इस पुस्तक को पढ़ के आइएगा, संविधान की बात करती, इस पुस्तक को पढ़ के आइएगा। हत्या करने वाले संविधान के, गुरुप्रकाश, संविधान के हत्यारे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, संविधान के हत्यारे हैं। स्वीकार करो इस बात को, गुरुप्रकाश के वन बाय वन बाय वन वन बाय वन दोनों को बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल का नाम सुन के बौखला गए। बीच में मेरे मत बोलिए, अगर मैं आपके बीच में बोलना शुरू कर दूं स्टूडियो में, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, दूंगी आपको। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, पढ़ लीजिएगा एक बार। मतदा रखिए, संविधान के हत्यारे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, पढ़ के आइएगा इसको, सुनने का मतदा रखिए, ये अहंकार कहीं और जाकर दिखाइएगा। आपने भ्रष्टाचार का, आप पढ़ के आइएगा मैडम इस बात को। गुरुप्रकाश आप चड्ढा समझाओ इसे, आपको मौका दे रहा हूँ, इसके बाद दे रहा हूँ मौका दे रहा हूँ, एक एक करके बोलेंगे, हमको भी सुनाई देगा, कोई समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहा हूँ। मैं मौका दे रहा हूँ गुरुप्रकाश, दे रहा हूँ आपको मौका, एक एक करके बोलते हैं प्लीज। मैंने कहा कि जो ये वर्डिक्ट आया है, अब वो जितनी देर बोलेंगे मैं बोलूंगी, ये मैं पहले से ही आपको बता दूं। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आपने भ्रष्टाचार का एक सवाल उठाया, ये वर्डिक्ट जो आया है क्या वो भ्रष्टाचार पर वर्डिक्ट आ गया? किस मुंह से बात करेंगे ये भ्रष्टाचार की? इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा डकार डकार कर बैठे हैं, गौकसी की कंपनियों तक से पैसा लिया हुआ है, चंदा दो धंधा दो का फोर्स में क्या हुआ था, चलाया हुआ था फोर्स में, क्या हुआ था बताइएगा। अगर ये बोलेंगे तो फिर अपने बोलना बंद कर दूंगी। गुरुप्रकाश, गुरुप्रकाश का घोटाला किया था। गुरुप्रकाश आप भी आप चाहते हैं एक एक करके बोलें तो नहीं, तो एक एक करके बोलते हैं, आपको मौका दूंगा पूरा अनइंटरप्टेड। नहीं वो हमारे बारे में बोलेंगे जब ये कह चुके हैं। नहीं मैं कह रहा हूं दूंगा मौका, एक एक करके में बोल रही थी तब तो आप 30 सेकंड सुप्रिया श्रीनेत, उसके बाद गुरुप्रकाश आपकी बारी है, रुक जाइए। बोल रही थी तब आपने मना नहीं किया था इनको, अरे मैं मोनोलॉग चलाती हैं। दे रहा हूं आपको मौका, 30 सेकंड सुप्रिया श्रीनेत बोलिए। ये भाव भंगी में ना घर पे जाकर दिखाइएगा, टीवी पर बैठे हुए थोड़ी मर्यादा रखिए। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। ऑडियो कम करिए, आप इसको ओनली सुप्रिया ऑन स्क्रीन पढ़ के, ओनली सुप्रिया ऑन स्क्रीन, गुरुप्रकाश प्लीज, गुरुप्रकाश प्लीज, ओनली सुप्रिया ऑन स्क्रीन, 30 सेकंड सुप्रिया आपके बोलिए। ये किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करेंगे? मुझे इस पर मुझे वर्डिक्ट पर बताइए। जनादेश जो आया है, एनडीए की सरकार आई है, बिल्कुल नहीं। जनादेश ये है कि नरेंद्र मोदी अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ट्रेडिशन होता तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 63 सीटें हारी है उस व्यक्ति ने जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी रिजेक्ट कर दी देश ने, 63 सीटों से आपको कम कर दिया। आपको बैसाखी चाहिए आज की तारीख में, बैसाखी बवाल मचा रही है। ओके। मैं करप्शन पर लेकिन एक लाइन जरूर बोलना चाहती हूँ, मैं एक लाइन करप्शन पर बोलना चाहती हूँ। आपने करप्शन की यहाँ पर बात करी, किस मुंह से बात करेंगे भ्रष्टाचार की बीजेपी वाले? इलेक्टोरल बॉन्ड में एक से एक पैसा डकार के बैठे, चंदा दो धंधा लो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड इस हिसाब से हो रही थी, कौन दे रहा है चंदा कौन नहीं दे रहा है, जिसके पुल और जिसके बांध गिर रहे हैं वो सब कंपनियां इनको चंदा देकर और चुपचाप डकार कर बैठे हुए हैं। गाय काटने वाली कंपनियों तक से तो इन्होंने चंदा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। गुरुप्रकाश आपकी बारी है, बोलिए गुरुप्रकाश, बोलिए 10 सेकंड ले लो, इसके बाद गुरुप्रकाश बोलिए आपकी बारी है। और मानक जी इन्होंने नहीं समझी पहले, तो सारा समझदारी, चलिए ओके गुरुप्रकाश, ओनली गुरुप्रकाश बोलिए, सारी समझदारी का ठेकरा मैंने थोड़ी रखा हुआ है और आपका माइक हॉट है आपके बारे में बैठी हूं। ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा है, 20-25 साल टीवी किया है, ये डर अच्छा है, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, ये डर अच्छा है संविधान के हत्यारों का, ये डर अच्छा है संविधान के हत्यारे, संविधान के हत्यारे, मर्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हत्यारे, संविधान के हत्यारे, ये डर अच्छा है। डरिए देश की जनता से, डरिए देश के दलितों से, डरिए देश के आदिवासियों से, ओनली गुरु आदिवासी की बेटी से डरिए, डर अच्छा है। कॉन्स्टिट्यूशन के हत्यारों से डरिए, ये डर अच्छा है।
मेरे मुंह मत खुलवाइए, मेरे मुंह मत खुलवाइए, यहाँ पर बड़ी कमी खोलूंगी, मुझ पर लायक नहीं रहेंगे, मुझे मत बताइए दलितों और आदिवासियों के साथ आपकी सरकार ने क्या किया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।